शहर के निकटवर्ती ग्राम गढ़ी थोरियान स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका चंचल जैन ने स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। इस दौरान जैन ने छात्राओं को गुड टच बैड टच की भी जानकारी दी। इस दौरान अध्यापिका जैन ने बेटियों को मार्शल आर्ट और जूडो की ट्रेनिंग दी, जिसमें बेटियों को पंच, किक, ब्लॉक तथा हाथ को छुड़ाना, बाल को छुड़ाना और किसी भी प्रकार की पकड़ से खुद को छुड़ाना आदि सुरक्षा के तमाम दांव पे सिखाए। आत्मरक्षा के गुण सीखने के बाद लड़कियों को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद ही राह चलते मंचलों को सबक सिखाने में सक्षम होगी। मालूम हो कि अध्यापिका जैन गत 7 वर्षों से आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रही है। वे अब तक करीब 400 अध्यापिकाओं को भी प्रशिक्षित कर चुकी है और करीब 500 बच्चों को भी आत्मरक्षा के गुण सिखा चुकी है। इस दौरान अध्यापिका ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया, क्योंकि वर्तमान समय में बच्चों के प्रति बढ़ते यौन शोषण और अपराध का मुख्य कारण बच्चों में जागरूकता की कमी है। माता पिता अपना कर्तव्य केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा, खाना पीना, कपड़े पहनना, बड़ों का सम्मान करना और अच्छे संस्कार देने तक सीमित समझते हैं, लेकिन वर्तमान समय में बच्चों को यौन शिक्षा देने के साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताना जरूरी है। शिविर के अंत में स्कूल स्टाफ की ओर से अध्यापिका जैन का आभार व्यक्त किया गया।